आज देखेंगे एवरेज, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था एचसीएफ और एलसीएम, और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। गुड इवनिंग सर। आफ्टरनून सर वो दोनों आएंगे नहीं तो कहते क्लास रिकॉर्ड करवा लेना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एवरेज, तो ओके आपके सर। रिवीजन होगा, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सो सर एवरेज आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आ रही है, आ रही है पर कम आ रही है, अब ठीक है। सो हम लोग जानते हैं कि एवरेज जो होता है, एवरेज जिसको मीन भी हम लोग बोलते हैं, विच इज यूज टू फाइंड द ट्रू वैल्यू, इज यूज टू फाइंड ट्रू वैल्यू। ट्रू का मतलब रियल वैल्यू। ट्रू वैल्यू सो यहाँ पे जो है बहुत तरह के मीन होते हैं, लेकिन हम लोग को जो जिस मीन पे कंसंट्रेट करना है वो एक ही है, और वो है आपका अर्थमैटिक मीन। ओके अर्थमैटिक मीन जिसको कि हम लोग बोलते हैं ए एम, दैट इज योर अर्थमैटिक मीन। ओके, वैसे बहुत सारे होते हैं मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमैटिक मीन होते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन होते हैं, हार्मोनिक मीन होते हैं, उस तरह से पोजीशन के केस में मीडियम मोड होते हैं। सो मीडियम मोड हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को एक ही देखना है, दैट इज अर्थमैटिक मीन। सो अर्थमैटिक मीन हम लोग निकालते कैसे हैं? सो अर्थमैटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं, उठाते हैं नंबर्स कि मेरे पास कितने नंबर्स हैं, या कितने डाटा हैं, या कितने ऑब्जर्वेशन हैं, जो भी चाहे इसको बोल सकते हैं। सो जैसे कि अगर मैंने लिया कि मुझे किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन मिला है, एंड देट डैट ऑब्जर्वेशन इज योर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री गोज अप टू एक्स एन, सो इसका जो मीन होता है दैट इज योर एवरेज। सब करके सर उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे। हाँ, उतने नंबर से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसको इस तरह भी लिखते हैं, तो जितना नंबर है उतना नंबर से वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सो दैट इज नंबर इज एन, सो दिस विल बी एन। सो दिस वन इज नथिंग बट योर मीन। काफ़ी इजी सा केसेस है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मीन को फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे अगर मैंने दिया, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो एक बार और अगर वो क्वेश्चन मैं दूँ एज ए एग्जाम्पल, लेट इट बी कि अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का मीन फाइंड करना है, तो भी एवरेज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक बार निकाल के दिखाइए। आप ये सब चीज पहले पढ़ चुके हैं, सर आवाज कम आ रही है सर आपकी। प्राइम एक बार इसको निकाल के देखिए। नंबर सर वो होते हैं ना जिसके एक से ज्यादा वो होते हैं फैक्टर, जिसके नहीं केवल दो सिर्फ ही दो फैक्टर होते होते हैं। हैं, यस सर, पर टू एक वन जो और एक फर्स्ट इटसेल्फ। 10 का निकालना है एक्सैक्टली। कॉपी नहीं थे हमने। तो वन नहीं ले सकते ना। सर वन ले सकते हैं। देखिए मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, टू नहीं टू होता है। सर वन वन टू होता टू टू है। कम से कम जिसके दो डिविजिबल होने चाहिए, एक वन ओके और दूसरा खुद सर, वन का वन ही है। सर। देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है आपका टू होता है, तो शुरुआत टू से करते हैं।
फर्स्ट टेन ट्वेंटी थ्री भी प्राइम नंबर है ना सर? हाँ, 23 भी प्राइम नंबर है। सर दसवां ही समझ नहीं आ रहा, 23 के बाद कौन सा होएगा? सो ओके सो 5 हो जाएगा, 23 के बाद कोई सर एक नंबर बताना। 23 का सीधे चले जाएगा 31 पे, 29 डायरेक्ट 31 सर 12.9 आ रहा है। ओके सो फिर क्या करना है, इसको ऐड करके सो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो एवरेज रहा होगा 12.9 प्लस 23 प्लस 129 हो गया ना सर। ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन इसमें दिया जाता है वो अगर याद हो तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट में लिखवाया था कि आपकी एवरेज जो होती है वो क्या होती है, सम ऑफ क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज होते हैं उसको जो हम लोग ऐड करते हैं एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर या नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, आपको एवरेज नहीं पूछता है बल्कि एवरेज दे देता है और सम ऑफ क्वांटिटीज पूछ देता है या नंबर ऑफ क्वांटिटीज पूछ देता है। जैसे अगर मैंने सम ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे निकाला तो ये हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कभी कभी क्वेश्चन जो होता है इस तरफ, लेकिन एक ही वैल्यू एक ही क्वेश्चंस को वो बार बार यूज करते केवल लिखने का तरीका होता है। जैसे इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए थे कि लेट इट बी कि द एवरेज ऑफ, जैसे कि मैंने इसी क्वेश्चन दिया जैसे एक क्वेश्चन दिया अगर कि द एवरेज ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज फोर्टी, what is the smallest of these numbers? पहला ऑप्शन था 30, सेकंड ऑप्शन था 34, 36, 40 या none of these. क्या हो जाएगा इसका, 40 × 5 करने के बाद 200 इसको फॉर्मूला क्या बताया था एक बार दोबारा बताना।
फॉर्मूला था एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम तो आ गया सर 200. अब फाइव नंबर बताने हैं वो. उसमें से सबसे मुझे छोटा नंबर बताना है, ये सबसे छोटा कौन सा रहा होगा. तो एक्स एज्यूम करके निकाल सकते, बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट दी पहला इवन नंबर है जो मेरा एक्स है, दूसरा जो होगा उसका एक्स का समेशन होगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, वन हाफ टू टू जस्ट लाइक एक्स को अगर आपने फोर मान लिया तो दूसरा हो जाएगा सिक्स, तो फोर प्लस टू. अब x को कॉमन ले लेंगे, x जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, मैं बोल सकता हूँ कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो हो जाएगा दूसरा x प्लस टू, फिर x प्लस फोर, फिर x प्लस सिक्स, देन कितने नंबर लेने हैं, पांच. तो नेक्स्ट वन हो जाएगा x प्लस एट. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस x प्लस टू, x प्लस फोर, प्लस x प्लस सिक्स, plus x plus 8 divided by 5 must be equal to 40. और अगर मैं देखूं तो 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, so 5x plus 2, 4, 6, 6, 6, 12 and 8, 20 is equal to 200. So therefore 5x is equal to 200 minus 20. So x का value जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 by 5, which is 36. So सबसे smallest number जो इसमें होगा वो 36 होगा, और सबसे biggest number जो होगा वो आपका नहीं सर 34 होगा सर. 5 3 जा 15, 36 होगा, 36 होगा, सही है. So इसका answer आ जाएगा आपका 3 number. So इस तरह के question ज़्यादातर आते हैं एवरेज पे. इट भी जैसे एक और क्वेश्चन दे दिया जो कि बहुत बार रिपीट होता है कि एक क्लासरूम में अगर या लेट इट बी क्योंकि आप कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी दे देते हैं कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ that would be 5 members as members of a family of a family was let it be rupees 18,000. One of the daughter in the family got married and left home, so the average becomes average monthly income of the family become and the comes down to 17,000.
17,000. तो मुझे मालूम करना है व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ मैरिड डॉटर. 12,000 निकाल के देखो. 12,000 इतना कम तो नहीं होगा. एवरेज ही 18,000. टोटल करीबन 1,00,000 के आसपास है अगर सबका एवरेज भी देखे तो. सर 18,000 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, 17,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68, 12 ही तो बचा. नहीं सर 12 नहीं, सॉरी 20, एक सेकंड कैलकुलेट सर, 22, 22,000, 22,000. वैसे भी अगर कल अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे, तब पहले एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए कि 12,000 आंसर होगा या नहीं. ऑलरेडी यहाँ पे 18,000 उसका एवरेज दिया हुआ है, 5 मेंबर है तो इसका 1,00,000 के आसपास तो ऐसा ही पहुँच गया. या तो 20,000 रहा होगा, नहीं तो 20,000 का थोड़ा कम रहा होगा, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, इतना कम नहीं होगा. ठीक है, तो ये भी एक तरह का मेथड है कि मेरा आंसर सही है या नहीं. इसमें बहुत ईजी विषय निकाल सकते हैं. पहले 5 मेंबर थे, एक चला गया, अब बचा 4 मेंबर. तो जगह 4 into 17,000 प्लस जो डाउटर थी डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जा रहा था 18,000. सो इसका अगर मैं देखूं, ये हो गया 28,000. थाउजेंड प्लस डी इज इक्वल टू 90,000. तो डी का वैल्यू अगर मैं देखू 22,000. 90,000 माइनस 6800 जो कि आपको दे देगा 22,000. इस तरह से इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी जो होता है वो दो नंबर्स के पे भी आते हैं, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको वहाँ पर बताया था अगर याद हो तो. कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज है, दैट इज द एवरेज ऑफ एन वन क्वांटिटीज लेट इट बी एक्स एंड द average of n two quantities is y. तो इस तो average अगर मैं देखूँ तो average हो जाता है n one x plus n two y divided by n one plus n two. तो ये भी एक formula है जिसके ऊपर भी बहुत सारे questions आते हैं. जैसे कि अगर मैंने एक छोटा सा question दिया इसके ऊपर, the average weight of students in a class is 60 kg. If the weight of another student, let it be teacher include for the weight of teacher is included, the average become 65 kg. Find the weight of the teacher. Weight of teacher. The 210. Okay.
यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं एवरेज इज इक्वल टू ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे तो 29 इंटू एवरेज वेट ऑफ 29 60, तो 29 इंटू 60 प्लस टीचर है एक इंटू इनका मुझे मालूम नहीं है वेट कितना होगा, सो लेट द वेट इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो बाकी का कैलकुलेशन से दो जगह 29 इंटू 60 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 65 इंटू 30 नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू 65 इंटू 30 माइनस 29 इंटू 60 तो इसको कैलकुलेट किया तो 1950 इस तरह से निकाल देगा इसी तरह से लेट इट बी mean marks of hundred students mean मतलब average हो गया average was found to be 40 later on it was discovered that the score of 55 was misread as 55. Find the correct isko nikal ke main aata hu तो 30 माइनस कर देंगे बस। अच्छा एक सेकंड सर 39.7 39.7 होगा सर। क्या आ जाएगा आंसर? 39.7 सो बना के देखते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो तो जिस मार्क्स का मेरा डिफरेंस आया था वो है डिफरेंस 30 85 माइनस 55 व्हिच इज योर 30। तो टोटल मार्क्स अगर हम लोग देखें तो जाएगा 40 इंटू 100 व्हिच इज योर 400 और सर ट्रू मार्क्स एक और जीरो आएगा। ओह सॉरी हाँ ट्रू मार्क्स अगर मैं देखूं तो 40,000 सॉरी 4,000 माइनस 30 ये होना चाहिए 3970। तो एवरेज जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 3970 बाय 100 सो ये 39.7। इस तरह से नेक्स्ट वन देखते हैं।
जो मीन के ऊपर ही है। सो इस तरह से आपका एवरेज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि अगर एक सिस्टम का एवरेज मेरा इतना दिया हुआ है तो रिमेनिंग का कितना होगा, या अगर एक नंबर्स मुझे दिया हुआ है तो उसका कितना होगा। सो एवरेज के क्वेश्चंस कभी डायरेक्ट ही आते, वो क्या करते हैं इसको किसी ना किसी के साथ इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि ऊपर एक क्वेश्चन देखा, जिस क्वेश्चंस में आपको टीचर्स या इनकम इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आते हैं तो वो इनकम का दे देंगे, और इनकम का एक बार देने के बाद वो रिमेनिंग हिसाब से पूछेंगे तो उसका कितना होगा। जैसे कंबाइंड क्वेश्चंस भी अगर मैं पूछूं जो कंबाइन करके आप पे आते हैं, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, लेट इट बी 11, results is 50 if the average of first 6 result is 49 and the last 6 resulted 52. Sir, the average of 11 मतलब 11 student है, 11 11 students है, 11 student का result है। अच्छा, find the sixth result. So yeah, that it be सर फर्स्ट सिक्स और लास्ट सिक्स, ये तो 12 हो गए ना, तो वही तो मुझे लास्ट वाले का बताना है। लास्ट का बताना है, क्वेश्चन दिया हो ना, फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट। सिक्स्थ निकाल के देखें, 56 आ रहा है सर। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो पहले 11 रिजल्ट का मेरा एवरेज दिया हुआ है वो है आपका 50, 11 रिजल्ट, और फिर लास्ट, तो टोटल है मेरे पास 12। इसमें से 7 का दिया हुआ है, और 7 का जो मेरा एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40,
नाइन, फिर 50। सर छः का है, फर्स्ट सिक्स है। फर्स्ट सिक्स का मैं दिया हुआ 50 एंड 49 है सर। ओके टोटल दिया हुआ मेरा 50, ये दिया हुआ मेरा 40 एंड द लास्ट सिक्स इज 52। ये मेरा लास्ट सिक्स है 52 और 11 का टोटल मेरा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मेरा 50 यहाँ से यहाँ, तो डेट इज योर 50। ये मेरा बच गया पहला सिक्स नंबर। तो यहाँ पे दो दो सिक्स नंबर है, एक सिक्स ये है जिसका मुझे मालूम नहीं, और एक सिक्स यहाँ पे भी है जिसका मुझे मालूम है। इस तरह से मेरा दिया हुआ, तो मुझे वही लास्ट का मुझे निकालना है कि लास्ट का कितना रहा होगा। सो अगर मैं देखूं कि ये वैल्यू जो मेरा लास्ट है ये 12 जो प्लेस पे आया है, इसका अगर मैं सिक्स नंबर निकालना चाहूँ कि इसका सिक्स नंबर क्या होगा, तो मैं इजी वे में निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं 11 का निकाल लूँ, या पहले मैं ये 6 का निकाल लूँ, फिर ये 6 का निकाल लूँ, और फिर 11 उसमें से माइनस कर दूँ, तो मुझे ये लास्ट वन मिल जाएगा। यानी अगर मुझे वैल्यू ऑफ सिक्स नंबर निकालना है, वो भी ये वाली रो में से, तो वैल्यू ऑफ सिक्स नंबर हम लोग लिख सकते हैं ये रहा होगा, पहले ये और ये 6 को मैं ऐड कर दूं, ओके, यानी द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स एंड प्लस ऑफ सम ऑफ सेकंड सिक्स, 606 हो जाएगा, 606 देन माइनस, अगर मैं इसमें कर दूं द सम ऑफ 11th रिजल्ट 11th रिजल्ट, तो हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये मुझे दे देगा कि वैल्यू ऑफ द सिक्स्थ नंबर। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ पे 312 माइनस 29 प्लस 294, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 45 प्लस सेकेंड 6 इंटू 52 माइनस 11 इंटू 50। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सो 50 इंटू 6 इज 300, 300 माइनस 6 इज योर 294 प्लस 2131 माइनस 550, सो दिस विल बिकम 606 माइनस 550, सो 54 सॉरी 6, अच्छा माइनस करना है ना, 5 गलत कर दिया, 56। तो इस तरह से सॉल्व कर, इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाऊं, लेट इट बी टाइपिस्ट ए कैन टाइप अ सीट इन 5 मिनट्स, टाइप बी इन 6 minutes, and typist say in 8 minutes. The average number of seat type per hour per type stage is this one per seat. So let first option is
your so the average number. So that this one is 8.8, 9.8, 10.8, 11.8. None of these.